क्षेत्र से एक युवक का आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मृतक बबलू पिता बालूराम उम्र 22 वर्ष निवासी मनासा जहरीली गोली के सेवन करने से उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे मनासा चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे नीमच रेफर किया गया। वहीं रास्ते में बबलू ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसका PM करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक बबलू के बड़े भाई ने मनासा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई को पुलिस द्वारा बीते वर्ष हुए किसी लड़की के मामले में प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर बबलू ने जहरीली दवाओं का सेवन किया। ये बबलू करके है, हमारी कॉलोनी का ही निवासी है, और ये बबलू कल बबलू को जब शाम को घर आया तो पता चला कि उसने कुछ गोली वोली खा रखी है, तो उसकी काफ़ी हालत ख़राब थी। उसे जहां मनासा हॉस्पिटल भर्ती किया गया, वहां से उसे नीमच रेफ़र किया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अभी सिविल हॉस्पिटल में उसका PM हो रहा है। परिवार के लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन इन्हें बबलू को करीब करीब एक साल से परेशान प्रताड़ित कर रहा था मनासा पुलिस, जिसके कारण बबलू ने ये कदम उठाया है। बबलू के भाई, तीनों ही भाई यहाँ उपस्थित हैं, और जिनकी अभी रो रो के हालत ख़राब है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। शायद कोई पुराना, एक साल पुराना कोई लड़की भागने का कोई मैटर है, मुझे भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर उस मामले में बबलू को कई दिनों से परिवार का आरोप है कि बबलू को आए दिन मनासा पुलिस ले जाती थी और उसको प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ क्या मारपीट भी की जाती थी क्या? परिजनों मारपीट की जाती थी उसके साथ, बताइए नहीं आप, मारपीट की जाती थी उसके साथ, और बोलता था भैया मैं कुछ कर लूँगा, कभी भी पुलिस मेरे को मारती है ऐसे वैसे।